आरोप है कि ममता के मंत्री रह चुके पार्थ चटर्जी ने जमाने को चूना लगाया, लेकिन चोरों के गैंग ने पार्थ चटर्जी को भी चूना लगा दिया। आखिर ये माजरा क्या है, 60 सेकंड में आप देखिए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पार्थ चटर्जी के फार्म हाउस में चोरों ने दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिया और अपने साथ दो बड़े बैग और एक बक्सा लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों के सवाल करने पर इन चोरों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताया और 20 बीघे के इस फार्म हाउस में घंटों मौजूद रहे। अब ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई पार्थ के फार्म हाउस पर चोरी हुई है या ये लोग पार्थ के जानने वाले थे जिन्हें जानबूझकर यहां भेजा गया था। ईडी को शक है कि इस फार्म हाउस में भी नकदी छुपा कर रखी गई थी। आसपास के लोगों के मुताबिक दो दिन पहले दोपहर के 1 बजे दो गाड़ियों में लोग भरकर आते हैं और दिन दहाड़े यहां पर ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। लोगों ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने खुद के ईडी के अधिकारी होने का दावा किया। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 1 घंटे तक इस पूरे घर में वो लोग रहते हैं, छानबीन करते हैं और अपनी गाड़ियों में कई बड़े बैग और बक्से भर के ले जाते हैं। उन बड़े बैग और बक्सों में क्या था, ये किसी को भी नहीं पता है। पश्चिम बंगाल में नौकरियों की मंडी सजाने वाले पाथ के खिलाफ जांच कर रही ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने पाथ के सबसे करीबी एजेंट का पता लगाने के बाद उसके घर पर छापा मारा। रिपोर्ट देखिए। कौन था नौकरी की मंडी सजाने वाले पाथ चटर्जी का एजेंट? टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर पार्थ तक युवाओं को कौन पहुंचाता था? किसकी मदद से पार्थ चटर्जी तक पहुंचता था घूस का पैसा? पार्थ के खिलाफ जांच कर रही ईडी के सूत्रों की माने तो उस आदमी का नाम है चंदन मंडल। पेशे से टीचर चंदन मंडल पार्थ के घूस लोग का सबसे नया किरदार है। सूत्रों का दावा है कि ईडी की हिरासत में पहुंचे पार्थ चटर्जी की काली कमाई में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। फिलहाल चंदन मंडल फरार है, लेकिन ईडी उसके ठिकाने पर पहुंच चुकी है। ईडी की टीम ने बगदाह इलाके में चंदन के घर पर दबिश दी और तलाशी ली, लेकिन उसके घर से क्या बरामद हुआ इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी ने ममता सरकार में शिक्षा मंत्री रहते टीचर की नौकरी बेचने का जो रैकेट फैलाया था, चंदन उसकी अहम कड़ी था। बेरोजगारों से पैसे वसूल कर उन्हें पार्थ तक पहुंचाने में चंदन मंडल का बड़ा योगदान था। इलाके में लोगों का दावा है कि उसके घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बहरहाल ईडी की टीम चंदन मंडल के पूरे काले धंधे की एक एक परत खोल रही है और हर परत पहले से ज्यादा दागदार नजर आती। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।